Hello friends, welcome to Gates Measure. So the topic is exist and not exist in SQL. Exist and not exist, ये keywords जो है हम use करते हैं correlated nested query में. हम correlated nested query के अंदर use करते हैं इन दोनों keywords को, exist and not exist को. यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी नेस्टेड क्वेरीज को, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे हमने क्या बात की थी कि नेस्टेड क्वेरी क्या होती है, एक आउटर क्वेरी है, एक इनर क्वेरी है. आउटर क्वेरी है और एक इनर क्वेरी है. आउटर और इनर क्वेरी को आपस में रिलेट करवाने के लिए, जोड़ने के लिए हमें कुछ कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है. या तो मैं इन, नॉट इन, any, all, अलग अलग keywords को, equal to, we can use different operators, different keywords to relate outer and inner query. लेकिन इसके इलावा एक और method भी है जिसको हम बोलते हैं exist and not exist. And exist and not exist जो है वो generally use करते हैं हम correlated nested query में. Correlated nested query क्या होती है? ये special query है. लिखने का तरीका इसका different है other than the nested query. Nested query में हम in not in के through करते हैं, लेकिन correlated nested query में हम use करते हैं exist and not exist. और ये execute अलग तरीके से होती है. कैसे execute होती है वो मैं आपको एक example से बताऊंगा यहाँ पे. सबसे पहले तो आप ये learn करना है यहाँ पे हमें कि correlated nested query में हम एक correlated word क्यों बोल रहे हैं, correlated word क्यों बोल रहे हैं. उसके लिए सबसे पहले मैं example लेता हूँ. उस example के बेस पे हम एक query लिखते हैं जहाँ पे हम exist और not exist का use करेंगे. फिर आपको अच्छे से clear हो जाएगा कि correlated क्यों बोल रहे हैं हम. तो query है find the detail of employee who is working in at least one project. मतलब उस employee की detail find करनी है जो at least एक project पे काम कर रहा है. यहाँ पे मेरे पास employee का table है, प्रोजेक्ट का टेबल है, और प्रोजेक्ट के टेबल में मैंने इंप्लॉई आईडी को कॉमन रखा हुआ है. इस इंप्लॉई आईडी को यहां पे कॉमन रखा है जो एक्ट कर रही है एज ए फॉरेन की, विच इज टेकिंग रेफरेंस फ्रॉम प्राइमरी की, और इस टेबल में प्राइमरी की को रखा हुआ है पीआईडी. तो ये तो है हमारे पास स्कीमा, दो टेबल्स का स्कीमा. अब हम क्वेरी लिख रहे हैं बाय यूजिंग द एग्जिस्ट. क्या करना है हमें? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉई, बिकॉज क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिटेल ऑफ द एम्प्लॉई हु इज वर्किंग ऑन अ एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट, हु इज वर्किंग ऑन एटलीस्ट वन प्रोजेक्ट. तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये क्या देगा? डिटेल देगा एम्प्लॉय की, वेयर वेयर ई आई डी, कॉमन क्या है ई आई डी, वेयर ई आई डी एग्जिस्ट एग्जिस्ट ब्रैकेट स्टार्ट सेलेक्ट सेलेक्ट ई आई डी फ्रॉम, सेलेक्ट ई आई डी फ्रॉम प्रोजेक्ट टेबल वेयर एम्प्लॉय डॉट ई आई डी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट ई आई डी. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमने किया क्या यहां पे? एग्जिस्ट का यूज किया पहले तो, और एग्जिस्ट का जब भी हम यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं correlated nested query में. correlated, correlated का मतलब है normal nested query में बाहर की query और अंदर की query अलग अलग काम करती है. मतलब पहले हम इनर क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, जैसा कि मैंने इन एंड नॉट इन वाली वीडियो में बताया. आप उस वीडियो को एक बार चेक कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन एंड नॉट इन कैसे वर्क करता है. इन एंड नॉट इन के केस में इनर क्वेरी जो है वो पहले एग्जीक्यूट होती है, उसकी जो आउटपुट आती है उसको हम आउटर क्वेरी के साथ कंपेयर करते हैं. लेकिन यहां पे एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट काम कैसे करता है? आउटर क्वेरी से एक वैल्यू, हम आउटर क्वेरी की एक रो को उठाएंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे दूसरे टेबल की रो से. मतलब हम चेक करेंगे कि क्या एम्प्लॉय टेबल की एक रो के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट टेबल में कोई एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. टॉप टू डाउन अप्रोच है. टॉप टू डाउन मतलब टॉप वाली आउटर क्वेरी में से एक रो को उठाएंगे, वन बाय वन सारी रोज को उठानी है. पहले एक रो को उठाया,
उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें देखेंगे कि क्या कोई एग्जिस्ट कर रही है वैल्यू, क्या टॉप के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है अंदर वाली क्वेरी में या अंदर वाले टेबल में जहां पे ये कंडीशन लाई हो रही है। कंडीशन क्या है, एम्प्लॉई डॉट ई आई डी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट ई आई डी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करवाऊं तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें बाहर वाली टेबल से पहली रो को उठाओ। बाहर वाला टेबल कौन सा है, एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई टेबल से हमने पहली रो को उठाया वन रवि चंडीगढ़। तो वन रवि चंडीगढ़ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या इनर क्वेरी में, इनर क्वेरी में कौन सा टेबल है, प्रोजेक्ट। और हमें क्या कंडीशन चेक करनी है, एम्प्लॉई आई डी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट आई डी। क्या एम्प्लॉई आई डी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट आई डी है, क्या यहां पे एम्प्लॉई आई डी वन के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे कहीं वन है, यस yes. तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट हमेशा रिटर्न करते हैं ट्रू और फॉल्स। इनर वाले टेबल से, इनर वाली क्वेरी के अंदर जो टेबल है, जो कंडीशन है, उस कंडीशन को चेक करके ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू एंड फॉल्स, कि क्या इस रो के अकॉर्डिंग, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई रो एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो ट्रू, अगर नहीं करती तो फॉल्स। तो आप एक बार फिर देख लो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, पहली रो को उठाओ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग चेक करो दूसरे टेबल में कोई रो एग्जिस्ट कर रही है जहां पे ये कंडीशन मैच कर रही हो। चेक करते हैं वन रवि चंडीगढ़, क्या वन यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, वन, यस, वन एम्प्लॉई आईडी मेरा एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू प्रोजेक्ट डॉट ई आई डी। तो प्रोजेक्ट डॉट ई आई डी के अंदर वन है और एम्प्लॉई डॉट ई आई डी के अंदर वन है, यस। तो बाहर वाली फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग अंदर वाले टेबल में रो एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे ये ट्रू रिटर्न करेगा तो हम सेलेक्ट स्टार, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम जो वैल्यू है वन रवि एंड चंडीगढ़, ये वैल्यू हम, क्योंकि स्टार यूज कर रहे हैं तो वन रवि एंड चंडीगढ़ हम आउटपुट में प्रिंट करवाएंगे। लेकिन सारी रोज के लिए चेक करना है आपको, आउटर टेबल की सारी रोज के लिए आपको चेक करना है। तो आउटर रो में सेकंड क्वेरी, सेकंड लाइन देखो आप, टू वरुण दिल्ली, क्या टू के कॉरेस्पॉन्डिंग इनर वाले टेबल में, अंदर वाले क्वेरी के अंदर टेबल कौन सा, प्रोजेक्ट, क्या प्रोजेक्ट में कोई रो है टू के कॉरेस्पॉन्डिंग, नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स होगी। तो इसने रिटर्न क्या करना है, सिर्फ फॉल्स। लेकिन नेस्टेड क्वेरी में, जो हमने नॉर्मल नेस्टेड क्वेरी की थी जहां पे हमने इन एंड नॉट इन और एनी और ऑल का यूज किया था, उसका एग्जीक्यूशन का तरीका अलग है। हम इसी क्वेश्चन को इन एंड नॉट इन से भी कर सकते हैं और मैंने ऑलरेडी किया भी हुआ है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन इसके एग्जीक्यूशन से टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, वहां पे इनर क्वेरी एक बार एग्जीक्यूट होगी, एक बार, और फिर हम उसकी आउटपुट को कंपेयर करेंगे बाहर वाली से। लेकिन यहां पे इनर क्वेरी बार बार चलेगी, आउटर क्वेरी के अकॉर्डिंग इनर क्वेरी में हम बार बार ये कंडीशन चेक करेंगे, अगर ट्रू होती है तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट देंगे, अगर ये फॉल्स होती है तो हम आउटपुट नहीं देंगे। जैसे कि अब इसके लिए टू वरुण के लिए, क्या यहां पे कहीं टू एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट, नो, सो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोई एग्जीक्यूशन नहीं हो, कोई भी फाइंड नहीं हुई रो, तो ये रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा हम आउटपुट में प्रिंट नहीं करवाएंगे। तो थर्ड, थ्री नितिन, क्या थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे कोई रो है, थ्री के कॉरेस्पॉन्डिंग, यस, ये मिल गई, ट्रू। जैसे ये ट्रू रिटर्न करेगा तो वो वाली रो, आउटर टेबल के अंदर जो रो है थ्री नितिन एंड पुणे, ये आउटपुट में प्रिंट हो जाएगी। फिर फोर, फोर रॉबिन, एक एक करके सारी रोज चेक करनी है। फोर रॉबिन, क्या फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पे कोई रो एग्जिस्ट कर रही है जहां पे ये कंडीशन मैच कर रही हो, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, एम्प्लॉई आई डी फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर ई आई डी इज इक्वल टू ई आई डी, क्या एग्जिस्ट कर रही है फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग, यस, एग्जिस्ट कर रही है, तो ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। जैसे ये ट्रू रिटर्न करेगा हमें यहां पे आउटपुट दे देंगे फोर रॉबिन एंड बेंगलोर, तो ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। देन फाइव एमी, क्या फाइव एग्जिस्ट कर रहा है यहां पे कहीं, फाइव, यस, फाइव एग्जिस्ट कर रहा है, तो फाइव जैसी एग्जिस्ट कर रहा है इसने क्या रिटर्न करना है, ट्रू। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फाइव एमी एंड चंडीगढ़ आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। तो फाइव नेम ऑफ द एम्प्लॉय एंड लोकेशन इज या एड्रेस इज चंडीगढ़। तो इस तरीके से मेरी आउटपुट जो है वो सामने आई। लेकिन
यहां पे आपको लर्निंग क्या करनी है कि एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट एक्चुअली काम कैसे करता है, एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट काम कैसे करता है आउटर क्वेरी के कॉरेस्पॉन्डिंग। आउटर क्वेरी में जो टेबल है उस टेबल से एक रो को उठाओ और इनर टेबल के अंदर, इनर क्वेरी के अंदर जो टेबल लिखा हुआ है उसमें चेक करो कि एग्जिस्ट है या नहीं है। तो आउटर टेबल में इंप्लॉय के अंदर पहली रो को उठाओ और अंदर वाले टेबल में, अंदर वाला टेबल कौन सा है, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट में चेक करो एग्जिस्ट है या नहीं। अगर एग्जिस्ट है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, जैसे ही ये रिटर्न करेगा ट्रू, ये पूरा पूरा ये रिटर्न करेगा ट्रू, जैसे ही ट्रू रिटर्न करेगा तो सेलेक्ट स्टार, मतलब उसकी डिटेल हम आउटपुट में प्रिंट करवा देंगे। अगर एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे टू के लिए एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो टू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉय वेयर ईआईडी, ईआईडी कितनी है टू, टू एग्जिस्ट अंदर वाले टेबल में, प्रोजेक्ट वाले टेबल में टू एग्जिस्ट कर रहा है कहीं पे, नहीं कर रहा, तो ये पूरा क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो जैसे ही ये फॉल्स रिटर्न करेगा हम आउटपुट में प्रिंट नहीं करवाएंगे। सो दिस इज हाउ वी हैव टू लर्न कि एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट कैसे काम करता है। तो ये हमने एग्जिस्ट का केस देखा, नॉट एग्जिस्ट का केस क्या करेंगे हम, यहां पे नॉट एग्जिस्ट को यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉय एंड लेट से नॉट एग्जिस्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉय वेयर ई आई डी, वेयर EID not exists, not exist select EID from project where employee.eid is equal to project.eid। तो कोरिलेटेड का लिखने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, हम बाहर वाले टेबल को अंदर भी यूज कर रहे हैं। देखो बाहर वाला टेबल कौन सा है, इंप्लॉय, उसकी वैल्यू को हम अंदर भी यूज कर रहे हैं, लेकिन नेस्टेड क्वेरी में नॉर्मल जहां पे इन एंड ऑल का हमने यूज किया था वहां पे हमने अंदर वाली क्वेरी अलग काम करती है और बाहर वाली क्वेरी को हम उसको कंपेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाहर वाले टेबल का जो, बाहर वाली क्वेरी का जो टेबल है उसको हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। तो नॉट एग्जिस्ट के केस में अगेन करना है इसने ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉय वेयर ईआईडी नॉट एग्जिस्ट। तो देखो वन एक एक करके सारी, वन वन नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट ईआईडी इज इक्वल टू ईआईडी, क्या मैच कर रहा है वन, यहां पे कोई रो मिल गई हमें वन के कॉरेस्पॉन्डिंग, वन के कॉरेस्पॉन्डिंग तो रो मिल गई, तो नॉट एग्जिस्ट तो मेरा फॉल्स हो गया, वो तो एग्जिस्ट कर गई, तो जैसे ही नॉट एग्जिस्ट मेरा फॉल्स हो गया आउटपुट में वन नहीं आएगा। फिर उसके बाद टू, टू नॉट एग्जिस्ट, टू नॉट एग्जिस्ट ट्रू, ट्रू जैसे यहां पे टू नॉट एग्जिस्ट ट्रू हुआ तो टू वाली वैल्यू जो है वो टू वरुण एंड डेली, ये मेरा आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इस इंप्लॉय टेबल से हमें आउटपुट को प्रिंट कराना है। थ्री, थ्री नॉट एग्जिस्ट, नो थ्री तो एग्जिस्ट कर रही है तो ये फॉल्स हो गई। फोर नॉट एग्जिस्ट, नो फोर भी एग्जिस्ट कर रही है। फाइव नॉट एग्जिस्ट, नो फाइव भी एग्जिस्ट कर रही है, तो सिर्फ टू के कॉरेस्पॉन्डिंग नॉट एग्जिस्ट क्या हुआ, ट्रू। तो जैसे ही ये ट्रू रिटर्न करेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम आउटर टेबल से आउटपुट को प्रिंट करवा देंगे। तो नॉट एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट जो है वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग काम करता है कि आउटर रो के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या अंदर वाली टेबल में, अंदर वाले टेबल में कोई रो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। अगर करती है तो ट्रू रिटर्न करेगा हम आउटपुट दे देंगे, अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो फॉल्स रिटर्न करेगा, हम आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं करवाएंगे। थैंक यू।